नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने सीरीज़ में काफ़ी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और आज इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे पर्यावरण की। और पर्यावरण में हमारा जो लास्ट पार्ट चल रहा था वो चल रहा था जैव विविधता का, और आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जैव विविधता के क्षेत्र में कुछ जो संगठन वगैरह बने हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बने हैं, और ना सिर्फ जैव विविधता बल्कि जुड़े हुए जो और भी इस तरह की संस्थाएं या कुछ नियम रेगुलेशंस बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और विश्व स्तर पर, उनको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। वो होगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नाम सुना ही होगा आपने अक्सर। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है, आपसे सिंपल सा ही पूछ लिया जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो उसका संबंध किससे है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल की, तो ये 2000 में आया था और पेरिस में आया था। ठीक है, और इसका जो संबंध है वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, मतलब जैव विविधता से संबंधित है ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था। ठीक है, 2000 को अपनाया गया था पेरिस में, और उसके बाद में अगर इसको लागू करने की बात करते हैं तो ये 2003 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 2003 से। और डेट की अगर आप बात करते हैं तो 11 सितंबर की डेट को। और क्या यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और किस विषय पर है? बायोसेफ्टी पर है। और बायोसेफ्टी मतलब क्या हो गया कि ये किस पर है? बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसका उद्देश्य जो है, इसका जो एम है वो है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले जीवित जीवों को सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसका जो उपयोग मेन एम है क्या है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले जीवित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन के सुरक्षित संचालन संचालन परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना परिवहन व उपयोग को सुनिश्चित करना सुनिश्चित करना ठीक है, चलिए ठीक है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मानव जोखिम का क्या है उसको भी ध्यान रखा जाएगा, मानव स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में और ये कोशिश किया जाएगा कि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर हम इसके बाद में बात करते हैं तो अब दूसरा हमारा होगा नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा होगा? नागोया प्रोटोकॉल। चलिए आइए देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल। तो इसका जो अगर हम एम की बात करते हैं तो इसका एम जो है वो है न्याय संगत लाभ वितरण। ठीक है, इसका मेन एम यही है। डिटेल में हम देखते हैं तो देखिए, जो जेनेटिक संसाधन होते हैं उनकी जो पहुंच है वो सब तक सुनिश्चित करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, जेनेटिक संसाधन जो होते हैं, और इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य यही है कि जो जैव विविधता
और अनुवांशिक से होने वाले जो लाभ हैं, एंड अनुवांशिक से जो होने वाले लाभ हैं उनका से होने वाले जो लाभ हैं उनका जो वितरण हो वो न्याय संगत हो, वितरण न्याय संगत हो। न्याय संगत हो, ठीक है। और एक तरह से क्या है कि इसमें जैव विविधता के लाभों पर एक कानूनी ढांचे का निर्माण होता है, जैव विविधता के लाभ के वितरण के लिए वितरण पर कानूनी ढांचे का निर्माण होता है। कानूनी ढांचा, ठीक है। तो ये इसका एम हो गया, ये इसका वो एम हो गया, इसमें क्या चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसको कब अपनाया गया, तो इसको 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में अपनाया गया, नागोया जापान में अपनाया गया है, ठीक है। और इसको लागू करने की अगर हम बात करते हैं तो 50 देशों के अनुमोदन के बाद में इसको 2014 से लागू किया गया है, 2014 से इसको लागू किया गया है। तो लागू करने की बात अगर आ जाए तो 2014 है, और अपनाने की बात है तो 2010 है इसको, ठीक है। और डेट अगर लागू करने की आप कहेंगे तो 12 अक्टूबर की डेट थी वो, 12 अक्टूबर की। और इसका उपयोग तो आपने देखी, उद्देश्य आपने देख लिया कि अनुवांशिक संसाधनों से जो भी लाभ होगा उसका न्यायसंगत वितरण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और कुछ चीज़ें देखते हैं। हमने अभी क्या देखा, कार्टेजेना और नागोया। तो कार्टेजेना हमारा क्या था, जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवों के सुरक्षित संचालन वगैरह के लिए, और दूसरा नागोया हमारा क्या हो गया, जो अनुवांशिक साधनों का उपयोग करने के लिए उसका लाभों का वितरण जिस तरह आसानी से हो जाए उसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं नागोया में ही, तो हमारे एक जैसे हमारा पॉइंट क्या हो गया, अनुवांशिक संसाधन जो होंगे, अनुवांशिक संसाधनों का, अनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए, का उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए अनुमानित परिस्थिति, अनुमानित परिस्थिति अनुमानित परिस्थिति व वातावरण की स्थापना करना, व वातावरण की स्थापना करना, की स्थापना करना, ओके। चलिए दूसरा आप देखते हैं, साथ ही क्या है कि यह अनुवांशिक संसाधनों, यह अनुवांशिक संसाधनों संसाधनों के प्रदाताओं, के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं व उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अधिक कानूनी, दोनों के लिए अधिक कानूनी, अधिक कानूनी निश्चितता व पारदर्शिता बनाएगा, निश्चितता व पारदर्शिता बनाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, और थर्ड वही क्या है कि अनुवांशिक संसाधन जब देश छोड़ते हैं तो लाभ क्या होगा, लाभों में जो साझेदारी होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। लाभ संसाधन को बांटने में सुनिश्चित, लाभ जो बांटने को सुनिश्चित करना, को सुनिश्चित करने में मदद, करने में मदद। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ ऐसी टारगेट्स के विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, जिसके कुछ 5 लक्ष्य बनाए गए हैं।
ठीक है, इसके पांच लक्ष्य हैं, इसके पांच लक्ष्य हैं। और अगर हम कहें कि ये नागोया प्रोटोकॉल के द्वारा जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए है, ये नागोया प्रोटोकॉल के द्वारा, नागोया प्रोटोकॉल के द्वारा जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पांच लक्ष्य हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। रणनीतिक लक्ष्य, ए, रणनीतिक लक्ष्य ए, इसमें क्या है कि सरकार और समाज, सरकार और समाज ये क्या करेंगे, ये जैव विविधता को नुकसान करने के लिए, जैव विविधता को जो नुकसान होता है उसके अंतर्निहित कारणों का पता लगाएंगे, जैव विविधता के नुकसान के नुकसान के अंतर्निहित कारणों का पता लगाएंगे। ठीक है, कारणों का पता लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम जैसे इसके इस लक्ष्य को, जो इसके पांच लक्ष्य हैं इसको हम अचीव करने की बात करें, तो इसके लिए बहुत लंबा लक्ष्य तय किया गया है, 2050 तक इनको पूरा करने का है, वो है। ठीक है, 2050 तक, और इनके लिए कुछ शॉर्ट टर्म लक्ष्य भी डिसाइड किए गए हैं, जो इनके लिए 2020 तक की सीमा निर्धारित की गई है। तो लक्ष्य ए जो है हमारा है, टारगेट वन क्या है, ए क्या है कि पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो कौन कौन से रीजंस हैं, जो क्या क्या कॉजेज़ हैं जो जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर पहुंचा सकते हैं। दूसरा हमारा रणनीतिक लक्ष्य बी की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटजिक टारगेट बी, इसमें क्या है, जैव विविधता पर दबाव को कम करना, जैव विविधता पर दबाव को कम करना। दबाव को कम करना और सतत धारी उपयोग को बढ़ावा देना, और सतत धारी उपयोग को बढ़ावा देना। उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद हम रणनीतिक लक्ष्य सी की बात करते हैं, रणनीतिक लक्ष्य सी की अगर हम बात करते हैं, उसको भी देखते हैं, तो इसमें क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रजातियां हैं, जो अनुवांशिक विविधता है उसको सुरक्षित करने के लिए जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों प्रजातियों तथा अनुवांशिक विविधता तथा आनुवांशिक विविधता को सुरक्षित करके, को सुरक्षित करके जैव विविधता में की स्थिति में सुधार करना है, कि करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, इसी तरह से डी को अगर हम देखते हैं, रणनीतिक लक्ष्य, तो इसमें क्या है कि इसमें जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के से जो लाभ होते हैं उसको सभी के लिए बढ़ाना है। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र
सेवाओं से लाभ को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना। और यहीं पे अगर हम लक्ष्य ई को भी देख लेते हैं, स्पेस तो कम है लेकिन यहीं पे कर लेते हैं, एक लक्ष्य और बच रहा है। इसमें क्या है कि जो भागीदारी योजना है, जो ज्ञान प्रबंधन है, जो क्षमता निर्माण है, उसमें वृद्धि करना। भागीदारी, भागीदारी, ज्ञान प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण में वृद्धि, क्षमता निर्माण में वृद्धि करना बायोडाइवर्सिटी को सुनिश्चित करने के लिए, क्षमता निर्माण में वृद्धि। तो ये लक्ष्य हैं। अगर मोटा मोटा आपसे बात किया जाए कि एचई के 5 लक्ष्य कौन से हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के इम्प्रूव करने के लिए है। और कब, कहाँ से इसका टारगेट निकला है, तो ये नागोया प्रोटोकॉल से निकला है। नागोया प्रोटोकॉल कहाँ कब हुआ है, 2010 में इसको अपनाया गया है और 2014 से इसको लागू कर दिया गया है। और इसके लिए लक्ष्य को कब तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, तो 2050 तक इसको टारगेट रखा गया है इसको, कि लक्ष्य को इसको पूरा किया जाएगा। अब हम देखते हैं एक कुछ 1963 में IUCN ने एक की एक बैठक हुई थी और वहाँ पे एक सहमति हुई थी जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है वो। तो देखिए 1963 में, ईयर याद रखिएगा, 1963 में IUCN की एक बैठक हुई, एक बैठक होती है और इसमें प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप, जो प्रस्ताव रखे गए उसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप इस साइट्स का मसौदा तैयार किया गया, साइट्स का मसौदा तैयार हुआ, साइट्स का मसौदा तैयार हुआ, ठीक है। और साइट्स का जब मसौदा तैयार हुआ तो फाइनली इसको क्या हुआ, 1973 में, 10 साल बाद 1973 में वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, नॉर्थ अमेरिका वाली क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में 80 देशों के प्रतिनिधियों के बैठक में सहमति हुई, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में, जो कहाँ पे है, यूएसए में है, यहाँ पे 80 देशों के प्रतिनिधि बैठे और फाइनली इन पे सहमति हुई। और सहमति के बाद में 1 जुलाई 1975 से इसको लागू कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कब लाया गया था सबसे पहले, तो इसको 1963 में इसका मसौदा लाया गया, 73 में फिर सहमति बनी और 75 में इसको लागू किया गया। और इसमें क्या किया गया है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनके शिकार पर प्रतिबंध, इनका शिकार नहीं करना है, ठीक है। साथ ही जो जैसे कुछ ऐसे आइटम जैसे हाथी दांत हो गया, हाथी दांत, बाघ की खाल, बाघ की खाल, इन सब के व्यापार पर प्रतिबंध की बात की गई, व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक है। तो साइट्स की अगर हम बात करें कि साइट्स आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों, ठीक है, के व्यापार में पर रोक सुनिश्चित करना और उनके शिकार वगैरह पे यह सुनिश्चित करना कि उनके शिकार वगैरह ना होने पाए, ठीक है, और उनका अस्तित्व बना रहे। तो ये हमारा साइट्स का एम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अगर हम भारतीय प्रयास की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम भारतीय प्रयासों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही भारतीय प्रयासों की अगर हम बात करें तो उनको भी देखते हैं। तो देखिए, एक हमारा यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट
टाइगर। और इसको कब शुरू किया गया है? 1973 में, ईयर याद रखिएगा, 1973 में शुरू। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर का जो लक्ष्य है कि मानव और बाघों के मध्य में जो झड़प होती है उसको कम करना, एक तरह से बाघों की सुरक्षा मान लीजिए आप, मानव व बाघों में झड़प कम करना। ठीक है, और विश्व के अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो 70% बाघ इस समय प्रेजेंट में कहाँ पे हैं? भारत में ही है, और सर्वाधिक कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, सर्वाधिक कर्नाटक में है। और अगर इसी से जुड़ा हुआ हम एक और पॉइंट देखें, तो 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे जो इस समय जो बाघों की जनगणना की रिपोर्ट वगैरह लास्ट ईयर भी जो आई थी, उसमें अब जो जनगणना की जाती है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट्स वगैरह की हेल्प के द्वारा किया जाता है उसको। ठीक है, और क्या है, राज्यों के द्वारा क्या कई बाघ संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं एक और, तो वो है हमारा टाइगर के बाद इम्पॉर्टेंट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना कब शुरू किया गया है? 1992 में, 1992 में। ठीक है, इसको शुरू किया गया है। और इसका अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है कि मानव और हाथी के बीच में झड़प कम करना, मानव व हाथी के बीच में झड़प कम करना, और एक तरह से आप कह सकते हैं हाथी की सुरक्षा के बीच झड़प कम करना। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे हाथियों का निवास अच्छा खासा है, ऐसे स्थानों पे सड़क, रेल, उद्योग, ये सारी चीज़ें नहीं विकसित किए जाएंगे। ठीक है, नहीं विकसित होंगे, नहीं विकसित होंगे। और साथ में साथ ऐसे हाथी कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, ऐसे क्षेत्रों को हाथी कॉरिडोर मान लीजिए, मान कहा जाता है, और हाथी कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जहाँ पे हाथी सुरक्षापूर्वक रह सकें। ठीक है, और 2003 में, 2003 में ही एक प्लान, 2003 में एक शुरुआत हुई माइक नाम से, एक शुरुआत हुई माइक नाम से, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग, किलिंग ऑफ एलिफेंट, ऑफ एलिफेंट। ठीक है, आगे और हम बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। पहले हमने टाइगर देखा, उसके बाद टाइगर के बाद कौन आया? एलिफेंट आया। ठीक, उसके बाद थर्ड एक है हमारा प्रोजेक्ट गिद्ध, वल्चर, प्रोजेक्ट गिद्ध, वल्चर। ठीक है, ये शुरू किया गया है 2006 से। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। साथ में, इसके साथ में एक और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य क्या है? एशियन गिद्ध को विलुप्त होने से बचाना, और उस कार्यक्रम का नाम है सेव, सेव। अगर हम फुल फॉर्म इसकी बात करें तो सेविंग, सेविंग एशियन वल्चर, एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब जो हमारी विलुप्त हो रही हैं, जो हमारी विलुप्त हो रही हैं गिद्ध एशिया से, उनको विलुप्त होने से बचाना। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि जो डीडीटी वगैरह होते हैं, डाइक्लोफेन जो होते हैं, डाइक्लोफेन, ठीक है, ये एक दवा होती है जिसके एक्सेसिव यूज़ से क्या होता है, इसके एक्सेसिव से क्या होता है कि जब जानवरों को इसको दिया जाता है,
ठीक है। तो जानवरों को नॉर्मली इसको दिया जाता है तो ये उसके शरीर में पड़े रहते हैं, ठीक है। यह दवा जब जानवरों को दी जाती है तो उसके शरीर में पड़ा रहता है, और जब गिद्ध इसको खाता है तो गिद्ध के पास ये दवा चली जाती है, और ये क्या करता है, गिद्ध की जो किडनी होती है उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। गिद्ध की किडनी ख़राब हो जाती है, और इसी वजह से अगर हम बात करें तो लगभग 85 to 90% गिद्ध की पॉपुलेशन इसी वजह से समाप्त हो रही है, ठीक है। 85 to 90% पॉपुलेशन इसी तरीके से समाप्त हो रही है। और भारत में अगर हम बात करें तो गिद्धों के संरक्षित करने के लिए भारत में तीन गिद्ध क्षेत्र हैं, तीन गिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं। एक हमारा उत्तराखंड से नेपाल तक है, उत्तराखंड से नेपाल तक है। दूसरा हमारा असम से अरुणाचल तक है, असम से अरुणाचल तक है। और थर्ड है केंद्रीय भारत में, छत्तीसगढ़ समझ लीजिए, सेंटर इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कार्यक्रम देते हैं, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण। क्या है, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण, आइए देखते हैं आप इसमें क्या है। सिर्फ भारत में ही प्राप्त होता है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके संरक्षण के लिए तीन क्षेत्रों का भी चयन किया गया है, इसके संरक्षण के लिए तीन क्षेत्रों का चयन किया गया है। और अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो जैसे हमारा एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो मानस, और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो है जालदा पाड़ा। अगर स्थान काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, मानस भी असम में है, और ये वेस्ट बंगाल में सेंचुरी है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक सींग वाले गैंडे के विषय में। आगे चलते हैं, हिम तेंदुए को भी देख लेते हैं। तो हिम तेंदुए के लिए भी संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया 2009 से। हिम तेंदुए का जो संरक्षण है उसको शुरू किया गया है कब, 2009 से, 2009 से संरक्षण है। चलिए उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट हुंगुल, प्रोजेक्ट हुंगुल। इसको जो हुंगुल है इसको कश्मीरी मृगु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कश्मीरी मृगु भी कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और अगर ये बात करें तो इसको वहाँ का राजकीय पशु भी है, ये कश्मीर का राजकीय पशु भी कहा जाता है, राजकीय पशु कहा जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2016 में शुरू किया गया है, ठीक है, ये 2016 में शुरू किया गया है। और नोट करके यहाँ पे लिखिएगा कि जो दाची ग्राम नेशनल पार्क है, जो दाची ग्राम नेशनल पार्क है वो अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जहाँ पे यह हुंगरू मिलता है, ठीक है, जहाँ पे यह हुंगरू मिलता है, ठीक है, अकेला है ये। आगे चलते हैं, एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी नाम बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी एक हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या है। तो इसको शुरू जो किया गया है, पहली चीज़ तो 2007 में शुरू किया गया है, ठीक है, इसको 2007 में शुरू किया गया है। और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। अगर क्वेश्चन हो कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है तो आंसर क्या होगा, डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। और इसके संरक्षण का कार्यक्रम, इसके संरक्षण का कार्यक्रम जो है 2009 से में इसको जब घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव, उसके बाद से इसके संरक्षण में और ध्यान ज़्यादा तेज़ी आ गई है, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है कि इसके विलुप्त होने का कारण, जब लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो मछलियों की जगह ये पकड़ में आ जाती है, स्तनधारी है ये डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी है, मैमल स्तनधारी है, ठीक। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत में एक अधिनियम भी लाया गया है जैव विविधता पर, जैव विविधता पर एक अधिनियम भी लाया गया है भारत में। और यह अधिनियम कौन सा है, यह अधिनियम कौन सा है पता है, यह अधिनियम लाया गया है 2002 में, ठीक है।
और इसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आज इसको हम यहीं पे थोड़ा सा रोकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर बात करेंगे कुछ और, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट पार्ट में अपने बात करेंगे। अभी आज पे हम इतने पे रोकते हैं और बाकी ये चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।